राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। हैदराबाद में शनिवार से शुरू हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पेश प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही। इसमें दावा किया गया कि भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। पिछले महीने नई CWC के गठन के बाद ये पहली मीटिंग है। मीटिंग के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और जयराम रमेश ने कहा कि CWC के कई सदस्यों ने देश की राजनीतिक स्थिति पर बात की। विचार विमर्श अभी भी चल रहा है और CWC जल्द ही एक प्रस्ताव लेकर आएगी। चिदंबरम ने कहा कि CWC में हम देश की राजनीतिक स्थिति, देश के सामने आने वाले आर्थिक संकट और देश के लिए गंभीर चुनौती बने सुरक्षा खतरों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां हैं। चिदंबरम ने कहा कि हमारी सीमाओं पर चीन की चुनौती है। विभिन्न स्तरों पर कई बार बातचीत के बावजूद चीनी विरोध में डटे हुए हैं। चिदंबरम ने आरोप लगाया कि हम इलाके खो रहे हैं और चीनी अपने इलाके को बनाए रख रहे हैं या उस पर कब्जा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बयान दिया था कि कोई भी भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा है। इस बयान का जिक्र करते हुए चिदंबरम ने कहा, मोदी के दावे ने चीन को एक इंच भी पीछे नहीं हटने की अपनी जिद्दी स्थिति बनाए रखने के लिए उकसाया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।